हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तक तो हम जो पेंसिल शार्प करते हैं उसके लिए हम कटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट आज मैं आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट वे बताऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा बेस्ट वे है पेंसिल शार्प करने का, बट हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, और ये ना आपको हेल्प करेगा पेंसिल शेडिंग और पेंसिल स्केचिंग में। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये रही मेरी पेंसिल, मैंने इसको भी इसी तरह ही शार्प किया था। तो यहाँ पे ये मैंने कटर ले लिया है। अब मैं इस कटर से अपनी पेंसिल को शार्प करूँगी, ठीक है। और ये जो है ना प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सही है, क्योंकि पता है इससे आपको काफ़ी लंबी लेड मिल जाती है जो आपको हेल्प करती है, मतलब काफ़ी टाइम तक ये रहती है। और ये बहुत ही संभल के काटना पड़ेगा क्योंकि इससे आपका हाथ भी कट सकता है, इसलिए धीरे धीरे। वैसे आपको पता है जब से मैंने अपनी पेंसिल को इस वे में छीलना स्टार्ट किया है ना, तब से तो मैंने शार्पनर को हटा दिया है। और यहाँ पे मेरे साथ ये हैपनिंग हो गई, मेरी लेड टूट गई थी पेंसिल की। तो मैंने इसमें क्या करती हूँ, मैं अपनी एक पेंसिल लेती हूँ मैकेनिकल, और उसमें ये लेड लगा देती हूँ। और अब आप मुझसे बोलने वाले हो कि इसकी तो लेड बहुत ज़्यादा मोटी है, अब क्या करें। तो इसका भी सॉल्यूशन आपको मेरे पास ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना ले लिया था सैंड पेपर, और इस पर मैं ऐसे रब करके घिसती हूँ ना, तो प्रॉपर पॉइंट वाली नोक बन जाती है और बहुत ही बढ़िया बनती है। तो यहाँ पे मैंने अपना ये पोर्ट्रेट लिया है, और इसकी शेडिंग मुझे करनी थी, तो मैंने सोचा आपको स्ट्रोक दिखाती हूँ इसमें कैसे प्रॉपर स्ट्रोक आते हैं। और ये बहुत ही फिनिश्ड और प्रॉपर स्ट्रोक हैं, बट इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी चाहिए होती है स्ट्रोक देने की। वैसे आपको पता है इसमें बहुत सारे कटर्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के पेंसिल शार्प करने के लिए, बट मैंने आपको सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली बताया है। ये आपको 10 to 50 के बीच में, क्या ये तो 10 से 20 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे तो सबसे बेस्ट लगा, आप मुझे जल्दी से बताओ आपको कैसा लगा। तो ये ना मेरा लास्ट वर्क है, और मैंने इसमें स्टिल लाइफ किया हुआ है। अब आप इसके ना क्लोज व्यू में स्ट्रोक देख सकते हो, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये स्ट्रोक, और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जल्दी से मुझे ट्राई करके बताना ज़रूर आप कि आपने कैसे ट्राई किया और क्या बनाया इससे, ठीक। तो देखना क्या डिफरेंस आपको पता चलता है इसमें। और सबसे बड़ी बात इसमें पता है क्या है, कि आपको ना ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए कि आप बार बार इसको शार्प करते रहो। आपने एक बार शार्प कर लिया तो कम से कम आपको 20 days की फुर्सत है, और अगर आप डेली और बहुत ज़्यादा स्केचिंग कर रहे हो तब, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।